नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं टेक्निकल राम जी। और आज के एपिसोड में हम लेके आ गए आपके लिए बिल्कुल मसालेदार टेक न्यूज़। और आज तो दोस्तों बोलो ही मत, इतना मसालेदार है कि मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत मज़ा आने वाला आपको आज का टेक न्यूज़ में, क्योंकि आज है ही इतने सारे न्यूज़ और स्पेशली रियलमी को तो बोलो ही मत भाई, कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ है। लेकिन हाँ, और भी आज भी बहुत सारे लीक्स, रूमर्स, प्राइस, डेट्स, कन्फर्म सब कुछ लेके आ गया हूँ, तो बने रहिए हमारे संग। और चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है ओप्पो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 2 मार्च को ओप्पो रेनो 3 प्रो लॉन्च होने वाला है, मैंने अपने पहले के टेक न्यूज़ में आपको बता दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताया जा रहा है इंटरनल लीक से कि इसमें आपको मीडियाटेक हेलियो P95 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो अच्छा खासा प्रोसेसर है, लाइक काफ़ी हाई एंड प्रोसेसर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है, गेम आपको काफ़ी अच्छे चल जाएंगे। और देखा जाए तो दोस्तों ये हेलियो P90 का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। जी हाँ, आपको मीडियाटेक हेलियो P90 से इसमें जो है हेलियो P95 में आपको 10% GPU ज़्यादा देखने को मिलता है और थोड़ा सा नेटवर्क इसका बढ़िया रहेगा, हालांकि CPU दोनों का सेम है। तो दोस्तों जब 2 मार्च को लॉन्च होगा तो मैं आपको आगे आने वाले टेक न्यूज़ अपग्रेड कर दूंगा कि कैसा रहेगा फोन और क्या सच में यही प्रोसेसर रहेगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टेक न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है IDC वर्ल्ड वाइड से। दिया दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडियन वेरेबल मार्केट में हम लोगों ने कितना सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में अलग अलग तरह से इंटरेस्ट दिखाया है 2018 से 2019 के मुकाबले। दिया दोस्तों, तो 2019 में ईयरवेयर में बताया जा रहा है, जैसे ईयरफोन्स वगैरह जब हम लोग लेते हैं वही सब कैटेगरीज में बताया जा रहा है कि 2019 में टोटल 443% का ग्रोथ था, जो बहुत बहुत ज़्यादा है, 100 का भी 4 गुना होता है, इतना ज़्यादा है। और उसके बाद दोस्तों जो रिस्ट बैंड होता है यानी कि फिटनेस बैंड, उसमें जो टोटल 52.6% का ग्रोथ है, जो बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, और जो स्मार्ट वॉच है उसको हद ही कर दिया लोगों ने लेके 77.5%, जो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा इससे इम्प्रेस हुआ, काफ़ी ज़्यादा लाइक इससे शौकीन हूँ, क्योंकि इससे ये भी पता चल रहा है कि हम इंडियंस जो हैं स्मार्टफोन्स के अलावा और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, ये सब भी हम लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं अगर ये सही प्राइस में लॉन्च होते हैं इंडिया में तो। और ये तो दोस्तों बस एक शुरुआत है, आगे तो ये सब नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपने 2019 में इन तीनों कैटेगरीज में से क्या लिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टेक न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है ओप्पो की तरफ से। जहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि ओप्पो फाइंड X2 में आपको देखने को मिल सकता है 120Hz की रिफ्रेश रेट, बट 3K रिजोल्यूशन का सपोर्ट, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा हाई एंड डिस्प्ले होने वाला है। और मुझे तो लगता है शायद ये वर्ल्ड का पहला फ़ोन हो सकता है जिसमें आपको 3K रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो स्क्रीन क्वालिटी है वो आम फोन या फिर कोई आम फ्लैगशिप फ़ोन जैसा नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा दमदार और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। और मुझे तो इस फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, हालांकि प्राइस भी इसका काफ़ी ज़्यादा हाई एंड होने वाला है, हाई एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है ओप्पो का इस साल। लेकिन देखते हैं क्या कैसा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि ओप्पो फाइंड X2 है, तो यानी कि ओप्पो फाइंड X2 प्रो भी आ सकता है इसके बाद। तो अभी देखते हैं फाइंड X2 में इतना कुछ मिल रहा है तो फाइंड X2 प्रो में क्या मिलता है। तो दोस्तों जैसे कुछ नया अपडेट मिलता है वैसे मैं आपको अगले आने वाले टेक न्यूज़ में अपडेट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टेक न्यूज़ की तरफ। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से। जैसे मैंने आपको वीडियो शुरुआत में बोला कि रियलमी का बहुत ज़्यादा खबर है, तो जहाँ दोस्तों रियलमी 6 प्रो जो है और रियलमी 6 5 मार्च को लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और दोस्तों बताया जा रहा है इसमें जो आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा प्लस आपको जो है 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया बात है। और ये भी बताया जा रहा है कि पंच होल प्लस डुअल पंच होल भी हो सकता है इस फोन में। और यहाँ पर ये 3 कलर निकल के आई हैं और ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं, बट इतना बता दे रहा हूँ कि अगर यही सब फीचर्स आपको अगर देखने को मिले 15,000 रुपीज़ में, तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एकदम तबाही मचा देने वाला है रियलमी। तो 5 मार्च को पता चलेगा कि क्या होता है। और दोस्तों जो भी मुझे न्यूज़ लीक्स जो भी मिलेगा मैं सबके संग आपके संग रोज़ शेयर करूँगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों 5 मार्च में क्या धमाल करने वाला है रियलमी अपने रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो के साथ। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको आज का टेक न्यूज़ पसंद आता है तो दोस्तों लाइक करिएगा, बताइएगा आपको कौन सा टेक न्यूज़ पसंद आया दोस्तों कमेंट्स में। और दोस्तों पहली बार चैनल पर आते हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं डेली कोशिश करूँगा टेक न्यूज़ दूँ और आपको एकदम लेटेस्ट अपडेटेड रखूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, आई लव यू ऑल।